डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा टाइम आ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको गूगल बताएगा। अभी की जो हमारी ट्रेन है प्लेटफॉर्म 4 पे है और लिखा हुआ था 4 मिनट्स ले, तो उसका वेट करते हैं हम लोग और आगे की जर्नी। सो ये भाई साहब फरमा रहे थे कि भाई ट्रेन की स्ट्राइक्स चल रही है। एक्चुअली आपको पता होगा कि ये जो इन्फ्लेशन का क्राइसिस यूके को भी काफ़ी हिट किया है, तो यहाँ पे ऐसे होता है कि ये कंटिन्यूस मतलब स्ट्राइक्स नहीं कर सकते जो यहाँ के वो जो ट्रेन ड्राइवर्स होते हैं, तो फिर ये क्या होते हैं फेसेस में करते हैं, 4 दिन महीने में 4 दिन या हफ्ते में 2 दिन इस तरीके। तो ये कल अभी अनाउंसमेंट कर रहे थे कि भाई नेक्स्ट 3 डेज़ 4 डेज़ तो ये स्ट्राइक है, तो फिर ये स्केड्यूल जो होगा वो इंटरप्टेड रहेगा। खैर एनीवेज अभी हम साउथ हॉल स्टेशन पे बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं हमारी ट्रेन का, जो कि आई गेस 2 से 3 मिनट में आने वाली है। और ये हमें सीधा आई थिंक कौन से स्टेशन पे उतारेगी, नाम भूल जाती हूँ, ये टोटेनहम कोर्ट में आई डोंट नो मिस। हाँ टोटेनहम कोर्ट रोड पे पहला स्टॉप है और फिर वहाँ से हम चेंज करेंगे प्लेटफॉर्म, वो डायरेक्ट वाटरलू पे छोड़ेगी और फिर वो हमें जो होगी वाटरलू पे छोड़ेगी। अच्छा वैसे आप इसी को लेके इसके 2-3 स्टॉप्स हैं जो कि सेंट्रल में टच होते हैं, तो आप अपना देख सकते हो, तो आप साउथ हॉल से डायरेक्ट भी सेंट्रल जा सकते हो, पर जो हमने होटल बुक किया है वो वाटरलू पे है तो इसीलिए हमें 2 ये ट्रेन चेंज करनी पड़ी है, पर ये बहुत कन्वीनियंट है। अदरवाइज वाटरलू के करीब ही आ जाएंगी ना सारी चीज़ें, लंदन आए और ये रिवर थेम्स सारे वाटरलू से वॉकिंग पे हैं। हाँ, पर मैं देख रहा था कि इनका वो जो नहीं पिकेडली सर्कस, हाँ, वहाँ पे ये डायरेक्ट भी जाती है। और ये कोमल, हाय कोमल, क्या हो रहा है, ट्रेन में जा रही हो मुझे ये स्पेस से मतलब, ये देखें कितना स्पेस है, बचपन से डर लगता है पाकिस्तानी ट्रेन का तो बहुत ही होता है, मुझे लगता है मैं इसमें ना देखूं। देसी ऑप्शन से हलवा पूरी ये वो सारा कुछ आगा पान का आपको देखा होगा, तो अच्छा रहा काफ़ी। सो फिर आपको नेक्स्ट जैसे ही स्टॉप आता है तो फिर अपडेट देते हैं, तो होपफुली आपको मज़ा आ रहा होगा। थैंक यू। सो ये अंडरग्राउंड ट्रेन है, तो इसका एक बेनिफिट ये होता है विंटर में कि आपको सर्दी नहीं लगती है, बट आज की तारीख में वो भी है। हाँ आज मतलब रोड से तो मतलब ऐसा है बेरेबल है कि आपको मतलब हेड कवर नहीं करना पड़ रहा और ग्लव्स पहनने की नीड नहीं है। स्ट्रीट तो ये है। सो हमारा फाइनली स्टॉप आ गया है और जैसे कि हमने कहा था कि साउथ हॉल से सेंट्रल इतना दूर नहीं है, so it just took us approximately 30 minutes। so ये हम यहाँ पे वाटरलू स्टेशन अब एग्ज़िट करने लगे हैं जहाँ से सेंट्रल लंदन स्टार्ट हो जाएगा, और आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त मतलब ये पूरा बनाया हुआ है ना कोमल, इसका बाहर का एक्सटीरियर भी बहुत प्यारा है। हाँ पर ये बहुत बड़ा मतलब स्टेशन है, हमने अपना होटल ढूँढना है, वो कोमल के पास नेविगेशन है तो कोमल हमें बताएगी कि यहाँ से कितना दूर है। हमने
हम इधर निकल आए हैं क्या? आई थिंक यू नीड टू री सेट अप द नेविगेशन डायरेक्ट होटल का वो लगाती हूं पोस्ट कोड. 8 मिनट्स वॉक है. एक अच्छी चीज ये है लंदन में कि आप जो है ना ये बाईसाइकिल्स जो हैं ये आप रेंट कर सकते हैं किसी भी डेस्टिनेशन पे और फिर वहाँ पे जाके आप अपने काम नजर आ रही हैं सारी इतनी सारी खड़ी हुई हैं. सो अगर इफ़ यू आर इनटू साइकिलिंग और समथिंग सो दिस इज़ वंडरफुल. सो कोमल ने ढूंढ लिया होटल तो अब हम कोमल को फॉलो करते करते होटल जाएंगे. कितना दूर है कोमल यहाँ से? सो यहाँ से 9 मिनट की वॉक है. ट्रैवल लॉज सेंट्रल का टाइम चल रहा है. एवरीथिंग इज सो सुपर एक्सपेंसिव. तो ये है कि आपको फिर इस टाइम में यू कैन गेट दीज ट्रैवल लॉज प्रीमियर इन. तो ये होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और फिर आप अपनी हमें बताइए कि कमेंट्स में ये आपको क्या अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.